दोस्तों, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. चाहे आप इंडिया के किसी भी सिटीज में हो, किसी भी विलेजेस में हो और किसी भी टाउन्स में हो, अनअकैडमी आपको सिस्टमैटिक ढंग से आपका कोर्स पूरा कराएगा, जो अलग अलग टॉप एजुकेटर द्वारा आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर सकते हैं. जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में जो COVID-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से कोई भी लैब या इंस्टीट्यूशन किसी भी एरिया में ओपन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए के तरीके से आप अपने मोबाइल के थ्रू और लैपटॉप के थ्रू अपनी पढ़ाई सिस्टमैटिक ढंग से कर सकते हैं. अगर एवरेज घर में किसी के पास अपना एक फोन भी है और या दो फोन है, या किसी एस्पिरेंट्स के पास अपना एक फोन नहीं है, तो वो अपने किसी घर के मेंबर से 1 और 2 घंटे के लिए फोन बोरो कर सकता है, ताकि वो अपनी क्लास सिस्टमैटिक ढंग से पूरी कर सके. दोस्तों, अनअकैडमी के साथ आप टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी गाइडेंस ले सकते हैं, तैयारियां कर सकते हैं. जैसे कि आपके टॉप एजुकेटर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे. दोस्तों, मेरा नाम है कृपा शंकर और मैं UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के पर्पस से मेंस को फोकस करता हूं और साथ साथ में इसमें प्रीलिम्स का भी एग्जाम क्लियर, यानी कि सिलेबस को पूरा किया जाता है. जो मेंस और प्रीलिम्स का तैयारी है, ये सिर्फ 25 से 26 रिचुअल्स के बीच में, रिचुअल्स मतलब अनअकैडमी को क्लासेस के रूप में बोलता है, क्लासेस में आप इसको पूरा कर सकते हो. मेरा नाम है कृपा शंकर, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो MA इकोनॉमिक्स है और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में पढ़ाने का. दोस्तों, UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराएगा पॉलिटी के 32 कोर्सेज, ज्योग्राफी के 25 कोर्सेज. मैंने जैसे बताया था कि कुछ कोर्सेज 25, जैसे कि मैंने मेरे हैं ज्योग्राफी के, तो इसमें आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही कंप्लीट हो जाता है. और साथ में करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं अनअकैडमी के एप्लीकेशन यानी कि जो ऐप है उस पर लूंगा, जिसमें आपको प्रीवियस 2 साल का करंट अफेयर्स और जो अभी हाल ही में घटित घटनाएं हो रही हैं पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल और क्या बोलते हैं आपका कल्चरल, आर्ट से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, सबका समावेश आपका. ये 30 कोर्सेज लिखा हुआ तो जरूर है, लेकिन 30 से क्लासेस थोड़ी सी ऊपर जाने की संभावना पूर्ण रूप से होती है. और अभी फिलहाल में जैसे कि 15 तारीख से अनअकैडमी ने सभी टीचर्स को बताया है कि जो अनअकैडमी की क्लासेस की फीसेस का प्राइस है वो थोड़ा सा अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि आप अपना कोर्सेज समय से ले सकें और किसी की और स्पेशल डिस्काउंट पाते हुए धन की बचत कर सकें. दोस्तों, अभी के अकॉर्डिंग जो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का सब्सक्रिप्शन चार्ज है, 1 महीने का UPSC के लिए वो 8,000 रुपये है. 3 महीने का 17% डिस्काउंट के साथ 20,000 रुपये है. ठीक इसी तरीके से 12 महीने के लिए 44,000 रुपये का डिस्काउंट है, जिसमें 54% इंक्लूड है आपका डिस्काउंट. और सब्सक्रिप्शन करते वक्त अगर KRIPA नुमेरिक में 1 अगर आप इंसर्ट करते हो, तो इसमें आपको 10% का अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा. दोस्तों, अब पढ़ने पढ़ाने के तरीके पे बात आ गई है, बात करते हैं पठार की, प्रायद्वीपीय पठार की. अब जैसे कि टॉपिक है आज का भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तो इसकी चर्चा करने के लिए सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया. एग्जिस्टेंस में आने के लिए आज क्या है, ज्यादा हम स्लाइड्स का यूज नहीं करेंगे, ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, ज्यादा जो क्लासेस होगी वो हमारी वर्बली होगी, ताकि आपको इसको समझ में आ जाए. जैसे कि आप इसको ठीक से समझेंगे, अगर देखेंगे कि भारत का थोड़ा सा नक्शा कैसा है या इसका चित्र कैसा है. सभी ने देखा होगा, सभी ने जाना होगा, कुछ इस तरीके से है. देखेंगे आप ये इस टाइप से, इस टाइप से. तो दोस्तों, ये जो हिस्सा है आपका, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, हिंदी में इसको कहा जाएगा क्या, कर्क रेखा. जब आपका ट्रियाशीरी या हेलोशीन युग चल रहा था, ट्रियाशीरी और इसके बाद में जो था वो हेलोशीन ईरा,
ईरा का मतलब है जब पृथ्वी पर युग की शुरुआत हो रही थी, अलग अलग युद्ध युगों में किस किस चीज की, किस किस चीजों की मतलब बनावट शुरू हुई है, कैसे जीव शुरू हुए हैं, तो उसमें जो चेंजेस हुए हैं प्रवृत्ति में, जलवायु परिवर्तन में, माहौल में, हवा पानी में, वनस्पति में, कैसे कैसे जीवों का विकास शुरू हुआ, उद्भव शुरू हुआ, क्या क्या उनके रूप बदले, पहले रीढ़ विहीन थे, फिर रीढ़ वाले बन गए, फिर पंख वाले बन गए, फिर ऐसे भी हुए कि उसके बीच में उभयचर का भी जन्म हुआ। तो जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये ट्रियाशीरी और हेलोसीन युग चल रहा था, तब हिमालय का निर्माण हो रहा था। अब हिमालय का निर्माण हो रहा है तो यानी कि ये जो जमीन है प्रायद्वीप पठार वाली, ये कहीं ना कहीं से आके टकराई होगी, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके का है कुछ, पहले इसको मैं साफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, देखना। ये देखेंगे आप इसको, ये पूरा हमारा ग्लोब है। अरे क्या कर दिया, ये आपका पूरा ग्लोब है, ये बीच में से आपका जाता है इक्वेटर, जिसको कहा जाता है 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य, इस टाइप से देखो, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से एक इमेजनरी लाइन है। अब आपको सभी को पता है कि ये जो यहाँ की लाइन है, यानी कि जो भूभाग है, दिस लैंड इज नोन एज नॉर्थ अमेरिका, इट इज नोन एज नॉर्थ अमेरिका, एंड दिस पार्ट इज नोन एज लाइक द टाइप साउथ अमेरिका, है ना। और ये जो हिस्सा है आपका, ये है यूरोप, ये आपका एशियन का पार्ट है कुछ, ये आपका इंडिया है इस टाइप से, और ये सऊदी अरब, और दिस लैंड इज नोन एज लैंड ऑफ अफ्रीका। ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका एशियन पार्ट, और ये जो हिस्सा है आपका, मैं थोड़ा सा इसको साफ करके बता देता हूँ एक बार, साइड से, और ये है आपका कंप्लीटली, इसको बोलते हैं आप ऑस्ट्रेलिया, क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको ये सारा का सारा भूभाग समझ में आ रहा हो तो, और आपने कहीं पे देखा हो पिक्चर में, तो भैया आप लोग ना एक काम क्या करो, ऑक्सफोर्ड का मैप लेके बैठा करो, किस चीज का, ऑक्सफोर्ड का मैप, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब इसके उद्देश्य से अगर हम पढ़ते हैं, तो जब यहाँ पे ये ट्रियाशीरी युग की शुरुआत हो रही थी, तो और जब हेलोशिन के बीच में ये जो भी ईरा जितने भी पड़े, जितने भी परिवर्तन हो रहे थे, तो पृथ्वी जो है अंदर से क्या बोलते हैं कोर में है, जैसे कि हमारी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें इस टाइप से, तो ये जो पृथ्वी का एरिया है इसे कहलाता है कोर, और कोर जो एरिया है दोस्त हमारा, उसमें फायर है, आग है, तो इसकी वजह से जब हीट लगती है तो ऊपर का मेटल पिघलता है, और जब कोई चीज पिघलती है तो आपको पता है वो फैलती है, और जो चीजें ठंडी होकर सुकड़ती है तो वो उसमें संकुचन की वजह से उसमें बिखराव शुरू होता है, टूटनी शुरू होती है। तो पृथ्वी जो है हमारी आज भी संकुचित हो रही है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पे, जो ये मेडागास्कर वाला लैंड है, ये कहीं पहले यहाँ पे चिपका हुआ था, ये वाला पार्ट जो है यहाँ चिपका हुआ था, और इंडिया का सब कॉन्टिनेंट जो है, जिसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल, और ये आपका छोटा सा पार्ट है श्रीलंका, मैं मेंशन कर देता हूँ ऐसे लंका, तो ये सारा का सारा हिस्सा ये आपका यहाँ पे कहीं पे चिपका हुआ था। तो आपको पता है रोटेशन ऑफ द अर्थ इज वेस्ट टू ईस्ट साइड, ये तो पता ही है आपको कि वेस्ट साइड से ईस्ट साइड को, वेस्ट साइड से ईस्ट साइड को इंडिया, यानी कि पूरी पृथ्वी घूमती है। तो जब ये पृथ्वी हिस्से टूटने शुरू हुए, तो इसका जो मूवमेंट शुरू हुआ वो हुआ आपका नॉर्थ पोल की साइड को। अब नॉर्थ पोल की साइड को कहने का मतलब एक्यूरेट नॉर्थ पोल पे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि जो पृथ्वी हमारी झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। कितने पे, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो इसका जो स्लोप मिला हमें वो इस साइड से ऊपर की साइड को मिला, क्योंकि इधर आपका ये वेस्ट साइड है, इधर आपका ईस्ट साइड है, ये तो आपका इक्वेटर है, EQUATOR। तो जब इधर साइड को मूवमेंट मिला तो ये पृथ्वी का भाग टूट के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, आपको समझ में आने के लिए नई स्लाइड का प्रयोग करूंगा।
दिस वन काफी छोटा इरेजर होता है इसमें, ये पता नहीं बड़ा कैसे होगा यूट्यूब पे या ओबीएस पे, समझ में नहीं आता है। ये लो हो गया बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरह। हाँ तो इसमें जो ये हमारा ये वाला हिस्सा था इस टाइप से, इंडिया वाला हिस्सा, तो ये जब मोमेंट मिली तो ये हिस्सा टूट के जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे एक सागर था, एक समुद्र था जिसका नाम था टिथिस, टिथिस, TYTHYS, टिथिस। तो ये हिस्सा जब मूवमेंट के ऊपर आके टकराया या जाके चिपका तो यहाँ पे थी ये यूरोपियन प्लेट। क्या बोला जाता है? यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, जिसको हम इंडो तिब्बतन प्लेट्स भी बोलते हैं, तिब्बती प्लेट। जो तिब्बत प्लेट है वो काफी कठोर है और जो ये वाली प्लेट थी वो बहुत नाजुक या नरम मिजाज की थी, हल्की थी। तो जब इस वाला लैंड से टक्कर लगती है अंगारा लैंड की, किसकी? अंगारा लैंड की किससे लगती है? गोंडवाना लैंड की। तो भैया इससे यहाँ पे जो सागर का हिस्सा था या सागर का पानी था वो खिसक के नीचे आ गया, जिससे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी का निर्माण हुआ या बंगाल की खाड़ी में पानी समा गया। और जो स्लोप मिला इसको थोड़ा सा ये तिरछा हो गया एरिया, क्योंकि ऊपर की जो रॉक्स थी वो टफ थी। जब ऊपर की रॉक्स टफ वाली इससे मिलती है तो वो हिमालय को यानी कि इस वाली पृथ्वी को मोड़ना शुरू कर देती है, और जैसे ये मिलेगी तो इसमें उभार शुरू आएगा ऐसे करके। जब उभार शुरू हुए तो यहाँ पे डेवलप हुआ आपका हिमालय। क्या डेवलप हो रहा है? आपका हिमालय। और हिमालय के बाद जो इसमें मूवमेंट मिली है, मैंने बताया था ना आपको कि इधर ये आपका वेस्ट साइड है, इधर आपका ईस्टर्न साइड है, तो मूवमेंट भी पृथ्वी के घूमने का इस साइड से इस साइड को मिलेगा, यानी कि पश्चिमी साइड से पूर्वी तरफ को मिलेगा। तो इसमें जो था ये वाला हिस्सा डूबना शुरू हो गया, तो यहाँ पे जो लैंड का डेवलप हो रहा है समुद्र में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में डूबे हुए समुद्र का निर्माण हो रहा है, डूबे हुए आइलैंड का निर्माण हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपका अंडमान निकोबार। क्या कहलाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब जब इसमें उछाल आ रहा है, स्लोप मिल रहा है, तो ये वाला जो पूर्वी प्रदेश है या पश्चिमी घाट है, इस साइड का पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट, वो थोड़ा सा उठ गया है, और जो पूर्वी घाट है इस साइड का वो आपका थोड़ा सा पानी में डूब गया है। तो पानी में डूबने की वजह से जो स्लोप मिलेगा, जो आप इसको मोटा मोटी तौर पर अगर समझेंगे तो बहुत इजी भाषा में समझेंगे, जब इस साइड से उठान शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि उठान पर्वत का उठना, यानी कि भूलैंड का जमीन का उठना, तो ढाल जो है ऑटोमेटिक आपका इस साइड हो गया। ढाल मतलब स्लोप इधर मिल गया। तो जितनी भी नदियों का निर्माण इस साइड से हो रहा है, इस वाले यानी कि पश्चिमी घाट से, वे नदियां निकलती तो वो पश्चिमी घाट से हैं, लेकिन गिरती कहाँ है? वो पूर्वी घाट की जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ठीक इसी तरीके से वो यहाँ पे क्या है, विभिन्न डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, डेल्टा नदियों के डेल्टाओं का, यानी कि जो विभिन्न नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्माण हो रहा है वो डेल्टा का निर्माण करेंगे। और डेल्टा का निर्माण होने की वजह से यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, ये जो पूर्वी घाट की जो कोस्टल लाइन है वो बहुत कम कटी छटी है, यानी कि एकदम सपाट टाइप की है, सपाट है। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक पोत आश्रय है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे अलग से, प्राकृतिक पोत आश्रय। पोत आश्रय का मतलब ये है जहां पे विमान, समुद्र वाले जहाज, शिप आके रुकते हैं, उनका निर्माण कम मात्रा में हुआ है। क्योंकि अगर जितनी समुद्र की लाइन आपस में कटी फटी होगी तो पानी उतना अंदर उतना बाहर रहेगा, है ना, तो उसकी वजह से शिप डायरेक्टली अंदर आ सकते हैं, यानी कि टाइड भी अंदर आ सकेगा, हाई टाइड भी अंदर आएगा, तो पानी का निर्माण से शिप का मूवमेंट ज्यादा होगा। और जितनी ये फ्लैट होगी, समतल होगी, तो जो प्राकृतिक पोत आश्रय उनका निर्माण भी कम से कम होगा। अब जो आज का टॉपिक है वो है आपका हिमालय के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, उसकी चर्चा करेंगे बेसिक रूप से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा जो बेसिक बेसिक नॉलेज आप ले लो, द पार्ट ऑफ द लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर कनेक्टेड बाय द मेनलैंड बाय द थर्ड लैंड ट्रीटी इज कॉल्ड पेनिसुला। पेनिसुला का मतलब ये कहा जा रहा है इसमें, एक ऐसी जमीन या एक ऐसा भूभाग क्षेत्र लैंड जो भैया आपका तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, कोई सा भी हो, पानी से घिरा हुआ हो। जैसे कि इधर आपको सभी को पता है इधर बंगाल की खाड़ी है, क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और थोड़ा पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूं, शायद आपको दिखने में थोड़ा सा आसानी हो। और नीचे आपका हिंद महासागर है, क्या है?
हिंद महासागर है, और तीसरा यहाँ पे आपको सबको पता है अरब सागर है या अरबियन सागर है। हिंदी में लिख दूं, इंडियन ओशियन लोकेटेड समवेयर साउथ ऑफ द केरला, बे ऑफ बंगाल इज हेयर, एंड अरेबियन सी इज हेयर। देन माई डियर फ्रेंड, पेनिनसुला ऑफ इंडिया इज सराउंडेड थ्री साइड बाय द वाटर, वन साइड बंगाल की खाड़ी, सेकेंड साइड इंडियन ओशन, थर्ड साइड इज अरेबियन ओशियन। देन दिस ट्राइंगुलर इज नोन एज पेनिनसुला ऑफ इंडिया, दिस ट्राइंगुलर इज नोन एज पेनिनसुला ऑफ इंडिया। नाउ इसके बारे में इससे ज्यादा समझने के लिए थोड़ा इसका मैप आपने पहले से देख ही रखा होगा। इसके जो मोस्टली लिखा हुआ है, जब ये निर्माण हो रहा था त्रिशारी युग में, ये देखिए इस टाइप से, तो यहाँ का जो एरिया है आपका ये कहलाएगा पूर्वी घाट। दिस लैंड इज नोन एज ईस्टर्न घाट एंड दिस लैंड इज नोन एज वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। देन माई डियर फ्रेंड, आज इसी के बारे में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। शायद आपके साथ में कुछ बच्चे ऐसे हों जो नए जुड़े हों, तो वो भी पढ़ लेंगे, और जिनको पहले से आ रहा है उनका थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो कुछ कुछ तरीके का है कि दोनों के लिए होगा। हेडिंग डालेंगे आप तटवर्ती मैदान। कॉपी उठानी शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने ये महसूस किया अगर स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा रहा हूं ना, तो सिर्फ आप स्लाइड्स पढ़ लेते हो और उसको फिर आप नोट डाउन नहीं करते हो, क्योंकि टाइम पे रिस्पॉन्ड तो करते नहीं हो, ना ही कोई क्वेश्चन पूछते हो। देखते हैं। हाय, हेलो सर। त्रियाशीरी युग है दोस्त और हेलोसीन युग। सुजीत प्रजापति जी, आपने पूछा है कौन सा युग सर, युग की बात कर रहा हूं, त्रियाशीरी युग और हेलोसीन युग। वेणुगोपाल स्वामी, हाय हेलो, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट, आई एम हेयर टू सॉल्व एंड रिजोल्व योर प्रॉब्लम। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट द तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान जो है हमारे कोस्टल लाइन, इट्स मीन कोस्टल लाइन, कोस्टल लैंड्स, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट इज ईस्टर्न घाट। नाउ मेकिंग द हेडिंग ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट हिंदी में लिखेंगे तो, एंड हेयर इज वेस्टर्न घाट, इट इज पश्चिमी घाट। वन साइड एंड टू साइड। देन माय डियर फ्रेंड, लुक एट द बोर्ड। अगर मैं इसको साफ साफ कर दूं तो थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा इसमें। हेडिंग बनाएंगे पूर्वी घाट। ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। अब इस बीच में जो ये वाला क्षेत्र है आपका, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये जो पूरा एरिया है ऊपर का, इसे कहा जाएगा, अगर हम बात करें तो ये बंगाल है आपका, वेस्ट बंगाल। नीचे वाला एरिया आपका उड़ीसा है, उड़ीसा। थर्ड पार्ट पे आपका क्या है, ये है आपका आंध्र प्रदेश। और थर्ड पार्ट के बाद जो आपका एरिया है वो कहलाएगा दिस वन लैंड तमिलनाडु। क्या कहलाएगा, तमिलनाडु। और इस ऊपर वाला भाग क्या है आपका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देन क्लासिफिकेशंस ऑफ द ईस्टर्न घाट डिवाइडेड इनटू दिस वन, नॉर्दर्न सरकार,
नॉर्दर्न सरकार, नाम ही इसका ये है उत्तरी सरकार। अब जो आपका नॉर्दर्न सरकार है, इसका जो फैलाव है वो है आपका वेस्ट ऑफ, यानी कि साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा। अब इसका जो फैलाव है आपका कौन सी नदी यहां पे गिरती है, कौन सी नदी का जो फैलाव है इसके बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्दर्न सरकार के बाद आपका बनता है कलिंग तट, दूसरा बनता है आपका कोस्ट ऑफ कलिंगा, कलिंगा कोस्टल लाइन। कलिंगा को हम क्या है, इसको हम उत्कल प्लेन भी कहते हैं, उत्कल प्लेन। आपने जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें सुना होगा द्राविड उत्कल वंग, द्राविड उत्कल, द्राविड हमारी जो द्रविड एक क्या बोलते हैं एक जनजाति है, और जो उत्कल है वो हमारा इधर ये उड़ीसा में एक जगह का भी नाम है। और इसके बाद जो है तमिलनाडु की जो कोस्टल लाइन है वो आपकी कहलाएगी कोरोमंडल, कोरोमंडल हिंदी में ऐसे है और इंग्लिश में कोरो मंडल। तो कितने नाम हुए टोटल मिला के आपके, जो नॉर्दर्न सरकार है वो आपका क्या है वेस्ट बंगाल के पास है, पूरा अगर क्लियरली लिखें इसको समझने के लिए, तो ये कहाँ पे है आपका नॉर्दर्न सरकार यानी कि वेस्ट बंगाल में, उत्तरी सॉरी उसके बाद में करेंगे। और 20 नंबर का है आपका कलिंग एंड उत्कल, इसका जो फैलाव है, जो इसका कहां कहां से ये फैला हुआ है वो है उड़ीसा में, और जो नंबर सी है आपका वो है स्टेट का नाम क्या बोलते हैं कोस्टल लाइन का नाम कोरोमंडल, और कहां पे है ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक, आपने ये सब पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा। अब इसके बारे में लिखेंगे पूर्वी घाट, नोट नंबर वन, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में, पश्चिमी घाट की तुलना में इंग्लिश में भी बताऊंगा अधिक चौड़ा है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो काफी ज्यादा है। अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं, अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक चौड़ा है। इन इंग्लिश ईस्टर्न घाट इज मोर ब्रॉड इन कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न घाट एज वी नो बिकॉज कोस्टल लाइन ऑफ द ईस्टर्न घाट इज मोर फ्लैट एंड मोर प्लेन इन द कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न घाट। जो पूर्वी घाट है उसका जो तटीय भाग है, नंबर दूसरा भाग लिखेंगे इसमें, तटीय भाग सकरा नहीं है, सकरा नहीं है यानी कि फ्लैट है। एक नंबर से लिखेंगे कोस्टल लाइन इज नॉट फ्लैट, यही लिख देता हूं, कोस्टल लाइन इज नॉट फ्लैट। देन फर्स्ट नंबर की स्टेटमेंट है ईस्टर्न घाट इज मोर ब्रॉडर इन कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न घाट। अब इसमें जो है और इसमें लिखेंगे आगे, इसको मैं साफ कर देता हूं बोर्ड को, कंट्रोल एन करके कुछ बनेगा क्या, नहीं। न्यू स्लाइड्स पे चलते हैं और शुरू करते हैं। लिखेंगे पूर्वी तट ईस्टर्न घाट
इज ई ईस्टर्न घाट, ओके, इज मच फ्लैट एंड ब्रॉडर। अब इसमें जो है आप देखेंगे पूर्वी घाट का जो एरिया है ना दोस्तों, ये आपका बिल्कुल एकदम सीधा है, ज्यादा कटाफटा नहीं है। तो यहाँ पे जो पोत आश्रो का निर्माण होगा, पोत आश्रो का निर्माण होगा वो प्राकृतिक रूप से कम है, प्राकृतिक पोत आश्रो का निर्माण कम है। इसका मतलब है लैक ऑफ नेचुरल शिपयार्ड, नेचुरल शिपयार्ड्स, लैक ऑफ नेचुरल शिपयार्ड्स का मतलब है कि इस एरिया ए से, यानी कि आपका जो बंगाल का एरिया है और तमिलनाडु के तट तक जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं उनका निर्माण काफी कम मात्रा में है, काफी कम है। और साथ में ही आपके पूर्वी घाट में ज्यादातर लैगून झीलों का निर्माण हुआ है। किसका? लैगून झीलों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, इसको ठीक से याद रखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ लैगून लेक, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ लैगून लेक, लैगून का मतलब है वो झीलें जो समुद्र के निक्षेपण के कारण अवस्था में आई हो। किसके कारण आई हो? समुद्र के निक्षेपण के कारण। अब आप इसको ये देखेंगे ना, जैसे कि ये कोस्टल लाइन है आपकी वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक की, तमिलनाडु तक की अगर वेस्टर्न लाइन है तो एक बार मैं देख लूं, किसी बच्चे का अगर कमेंट आया हो जिससे मैंने कुछ पूछा था तो आसानी होगी उसको समझने में भी। सुजीत जी आपका जो कमेंट है वो ये है दोस्त कि चेन्नई में कैसे बना है सर, चेन्नई में क्या कैसे बना है या चेन्नई कैसे बना है, आप इसका निर्माण अगर पूछना चाह रहे हो कैसे बना है या इसके अलावा, मैं आपके क्वेश्चन को बेसिकली समझ नहीं पा रहा हूँ। जो आपने लिखा है ना चेन्नई में कैसे बना है सर, तो आप अपने क्वेश्चन को फिर से पूछ लीजिए दोस्त, मुझे पढ़ने में आसानी हो जाएगी, समझाने में भी आसानी होगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो आप लिखो कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा दोस्त कौन सा पोर्ट, अध्यर रिवर। सुजीत साहब ये जो आपका चेन्नई में पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट की अगर आप बात कर रहे हो दोस्त, अगर आप चेन्नई की साइड गए हो ना तो आप उसको देखना, उसका जो निर्माण हो रहा है वो समुद्र के निक्षेपण के कारण हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो समुद्र का जो तट है उसको काफी को ब्रेक करके पानी अंदर की तरफ आता है, यानी कि ये जो आपका बे ऑफ बंगाल है इसका जो पानी है टाइट और हाई टाइट के कारण ये तटीय रेखा को तोड़ता हुआ अंदर आया है, और अंदर आने की वजह से जो निक्षेपण हुआ है वो पानी यहाँ पे जमा हो गया है, डिपोजिशन ऑफ वाटर। अब जब ये प्रोसीजर आपका साल दो साल हर साल चलती रही तो यहाँ पे क्या है लैगून का निर्माण हो गया, और लैगून के निर्माण के बाद आपका यहाँ पे चेन्नई के पोर्ट का निर्माण हुआ जो आपका एक नेचुरल ना होकर अननेचुरल यानी कि मैन मेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू यू दोस्त? सुजीत प्रजापति जी बताइए, समझे? चलो आगे चलते हैं। और हर्ष कुमार सिंह कह रहे हैं अध्यर रिवर जो है दोस्त वहां पे एक लोकल की निकलने वाली नदी है लेकिन उसका नाम अधियारी है, अधियारी रिवर, ठीक है ना। एंड आप शायद टॉपिक से डाइवर्ट तो नहीं हो रहे? चलो दोस्तों आगे की चर्चा जो है शुरू करते हैं। अगर आप ये पूछ रहे हो साथ में कि चेन्नई पोर्ट का निर्माण कैसे हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में दूसरा कारण जैसे मैंने बताया आपको समुद्र का कोस्टल लाइन को तोड़ते हुए अंदर आना, पानी का निक्षेपण होना, और जो उसमें दूसरा कारण है वो है आपका जो शब्द है वो है
निवर्तित मानसून के कारण, निवर्तित मानसून के कारण। दोस्तों निवर्तित मानसून का कारण मतलब ये होता है कि ये जो आपका एरिया है यहाँ पे मानसून के कारण भी वर्षा होगी और लौटते हुए मानसून के कारण भी वर्षा होगी। यानी कि ये जो आपका एरिया है पूरा यहाँ पे आपका जो बंगाल की खाड़ी में आपके चक्रवात और प्रति चक्रवात का निर्माण हो रहा है, जिससे वो आपको इधर साइक्लोनिक जोन बनाते हुए केरल के तट पर वर्षा करेंगे, फिर वो महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन से बढ़ते हुए पूरे भारत में घूमते हुए ये नॉर्थ ईस्ट में निकल जाएंगे और फिर ये वापस पवने आपका घूम के बेहो बंगाल में निर्माण होगा। किसका? आपका मानसून का। तो इससे जो ये पूर्वी घाट के तट होंगे जितने भी एरिया होंगे यहाँ पे ये वर्षाच्छित रहते हैं। तो चेन्नई पोर्ट के निर्माण होने में दूसरा तो हो गया कारण आपका निवर्तित मानसून का, और इसकी वजह से यानी कि मानसून की वजह से, और दूसरा है लौटते हुए मानसून की वजह से, लौटते हुए मानसून की वजह से यहाँ पे वर्ष भर जो वर्षा बनी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कृषि उत्पादन है वो काफी अच्छी मात्रा में है। और पूर्वी घाट पर पड़ने वाले चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो आपका एपी हो, आंध्र प्रदेश, फिर या चाहे उड़ीसा हो, और इसके अलावा चाहे तमिलनाडु हो, ये वर्ष भर में 2 से 3 बार राइस प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बार तो करते ही है। कितना? राइस प्रोडक्शन। और जो बेस्ट टाइप का राइस होगा वो आपका वेस्ट बंगाल में भी होता है। वैसे तो जीआई टैग के मामले में जाएंगे तो देहरादून की बासमती भी है, उत्तर प्रदेश में भी बासमती चावल है, लेकिन जो अलग अलग टाइप की क्वालिटी का चावल है, जो जिसमें भारी मात्रा में पोषक तत्व विराजमान होते हैं लेकिन चावल की बनावट थोड़ी सी मोटी होती है, जो पकने के बाद या कच्चे कम पानी में भी पक जाता है, तो इस टाइप के चावलों का निर्माण जो है आपका वेस्ट बंगाल से ऊपर जो आपका मेघालय वाला एरिया है, असम वाला, उसमें भी होता है। और जो पूर्वी घाट में पड़ने वाले ये क्षेत्र है सब में इस तरीके के विशेष प्रकार की फसलों का भी निर्माण हो रहा है, जो वर्ष में 2 से 3 बार चावलों का उत्पादन करते हैं, क्योंकि बरसात की कमी तो है ही नहीं ना, पानी भी है, मानसून भी है, सिंचाई के लिए अब तो वर्तमान समय में नलकूप न होकर इधर नहरें का भी निर्माण हुआ है। अब बात कर रहे थे हम पूर्वी घाट की, तो इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं। चलो दोस्त आगे भी बढ़ जाता हूं। वो थोड़ा सा आज मेरी जो क्लास थी वो 4 बजे से थी। पहले मेरी क्लास 12:30 बजे से स्टार्ट होती थी, फिर वो 4 बजे से 3 बजे से। थोड़ा सा क्या है, जहाँ जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो शिफ्टिंग करना पड़ जाता है शेड्यूल कभी कभी एट ए टाइम पे। मेरे पास वैसे अपने खुद के 3 नेट हैं तो अच्छी खासी व्यवस्था में होते हैं, लेकिन क्या है ज़्यादातर नेट की यूज की वजह से ना तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है कि आप किस एरिया में लोकेलिटी में रह रहे हो। तो जियो का भी है मेरे पास, एयरटेल का भी है और लोकल नेट भी है, जो उन सा समय पे काम हो जाए उसी से काम चला लेता हूँ। लेकिन मेरी जो क्लास का मुख्य समय है वो 12:30 बजे से होता है। तो सभी लोग आप मुझसे जुड़े रहिए, और जो मेरी क्लास है वो आपको कृपा शंकर अनअकैडमी के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। हाँ, तो अभी जी की जो चर्चा मैं कर रहा था पूर्वी घाट की कर रहा था, आप सभी को पता है ईस्टर्न घाट की। तो दोस्तों उदाहरण के लिए अगर पूर्वी घाट पे कहीं झीलों का निर्माण हो रहा है तो वो है आपकी लैगून लेक। और लैगून का जो निर्माण है, मैंने कहा था ना कि जो समुद्र का पानी कोस्टल लाइन को तोड़ते हुए अंदर आ रहा है ना, और वो वापस नहीं जा रहा है, वापस नहीं जा रहा है, तो वहां पे ये आपका लैगून झीलों का निर्माण कराएगा। तो पूर्वी घाट पर जो लैगून झील है उसके जो थोड़ी सी व्याख्या है, उसके नाम है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पूर्वी घाट पर लैगून झीलों के नाम या लैगून झील, नंबर फर्स्ट लिखना शुरू करेंगे, सभी को पता होगा आप लोगों को, जैसे कि चिल्का है, चिल्का। नंबर 2 है आपका कोल्लूरू, एंड नंबर 3 पुलिकट। लैगून लेक आर लोकेटेड ऑन ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट विच आर नंबर 1 चिल्का, नंबर 2 कोल्लूरू,
चिल्का, नंबर टू कोलूरू, एंड नंबर थर्ड इज पुलिकट। डियर फ्रेंड, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मोर। हर्ष कुमार सिंह, सुजीत प्रजापति, राजवर्धन सिंह, वेणुगोपाल स्वामी। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। नंबर नेक्स्ट, अगर आपने मेरी क्लास पहले पढ़ी होगी, कोई दूसरी क्लास, जब मैं आपको मैदानी भाग पढ़ा रहा था, उत्तर के मैदानी भाग के बारे में, मैंने वहां पे आपको एक पॉइंट बताया था, अगर जिस एरिया में आपका ज्यादा फर्टाइल लैंड मिलेगा यानी कि उपजाऊ भूमि मिलेगी, तो दोस्तों वहां पे आपके दो कारण होंगे। नंबर फर्स्ट, एक तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वो आपका हाई होगा, जनसंख्या का जो घनत्व है पीडी वो ज्यादा होगा, क्योंकि कृषि योग्य भूमि होगी तो लोग वहां पर रहना शुरू कर देंगे अपने गुजारे बसरे के लिए या कृषि जैसे व्यवसाय से जुड़ने के लिए। दूसरा, वहां पे जब लोग रहना शुरू कर देंगे तो वहां पे सोशियो एग्रो प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, एग्रो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम आपके शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी होंगे टेक्नोलॉजी भी चाहिए, फर्टिलाइजेशन भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, इरिगेशन, सर्टिफिकेशन, स्टेकफिकेशन भी चाहिए। स्टेकफिकेशन का मतलब होता है दैट सिस्टम वेयर ए फार्मर यूज वाटर विद फर्टिलाइजर, इट इज नोन एज स्टेकफिकेशन। तो अब इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम हिस्टोरिकल चलें, ज्योग्राफी का हिस्टोरिकल पार्ट में, हिंदी वाले बच्चों के लिए एक मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, उसको नोट डाउन कर लेंगे। ऐतिहासिक काल में भूसंचलन के कारण दोनों ही तटीय भागों का मतलब है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों में निम्जन तथा उत्थापन, निम्नजन तथा उत्थापन के प्रमाण मिलते हैं। लिख लेंगे, पहले मैं इसका अर्थ भी समझा दूंगा। निम्जन तथा उत्थापन के प्रमाण मिलते हैं, जैसे मुंबई के निकट निम्जन तथा काठियावाड़ और कच्छ के निकट, कच्छ आपका गुजरात में है ना, कच्छ तथा काठियावाड़ के निकट उत्थापन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक से आप इसको मार्किंग करके देख लेंगे, कच्छ एंड काठियावाड़। और यहां पे है आपका मुंबई में आपको किसके मिल रहे हैं, निम्जन का मतलब ये है आपका जो उत्थापन है, जो पहले इसको समझेंगे, जहां पे आपका जो क्षेत्र है वो दलीय क्षेत्र हो रहा, दलदल वाला क्षेत्र मिलेगा आपको पानी की वजह से, क्योंकि वहां पे जो ये अरब सागर का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से, इससे पानी अंदर आ जाता है, थोड़ा यहाँ पे मिट्टी भी है तो कीचड़ का रूप ले लेता है गुजरात से निचले वाले एरिया में। और निम्जन का मतलब है जमीन जो होगी, आपका जो भू क्षेत्र होगा या भू संचलन के कारण क्षेत्र होगा, वो समुद्र के लेवल के या समुद्र तल के आसपास आता रहता है, पानी का लेवल उससे बढ़ता रहता है। तो निम्जन लो इफेक्ट, उत्थापन हाई इफेक्ट। नंबर नेक्स्ट, अब जो निम्जन है उत्तरी भाग में कहां कहां मिल रहा है या पांडिचेरी के एरिया में कहां कहां मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इससे रिलेटेड जो बात है वो थोड़ा सा और समझेंगे। हेडिंग डालेंगे पूर्वी तट, इसको साफ कर देता हूं।
लोकेशन सर, मतलब दोस्त आप किस चीज की लोकेशन पूछ रहे हो? देखो पूरा पूछा करो, आप कोलोरू की पूछ रहे हो, पुलिकट की पूछ रहे हो, या मेरी लोकेशन पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो थोड़ा सा लिख दे करो पूरा, तो मुझे थोड़ा सा आसानी होगी समझने में मेरे दोस्त। इसको थोड़ा सा साफ करने में दिक्कत हो जाती है मेरे को। बस गिव मी थोड़ा सा समय दो, पूरा गिव मी फ्यू सेकंड्स। ओहो दोस्त, चलो मैं आपसे ही कमेंट में पूछ रहा हूँ, वेयर इज द लोकेशन ऑफ चिल्का, कोलोरू एंड पुलिकट? जैसे कि है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो जगन्नाथपुरी में है या कहाँ पे है, या चेन्नई के आसपास है, आंध्र प्रदेश में कौन सी है, बता तो मैंने आपको सारी दी हैं, लेकिन आप मेरे को तीनों के नाम बताइए अब कहाँ कहाँ पे हैं। क्योंकि आपको पता है 99% केस में स्टूडेंट वही क्वेश्चन पूछता है मोस्टली जिसको उसके उत्तर होने की संभावना पूर्ण रूप से ज्ञात हो, क्योंकि उसके जो ज्ञान का क्षेत्र है वो काफी व्यापक हो चुका होता है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं बताया कि कोई ना कोई स्टूडेंट तो पूछे और कोई ना कोई स्टूडेंट आपस में जवाब देगा कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ द कोलोरू, वेयर इज द लोकेशन ऑफ पुलिकट, हे व्हाट इज योर नेम, मिस्टर वेणुगोपाल स्वामी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वेयर इज द लोकेशन ऑफ कोलोरू चिल्का एंड पुलिकट? नंबर नेक्स्ट, पश्चिमी घाट की बात करेंगे, बहुत इजी से क्वेश्चन है दोस्त, ऐसा नहीं मैं बताना नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूं आप लोग इस पे डिस्कस करो। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं अब हम। क्या नाम है, सुजीत जी, आप मुझे बताना, टेल मी द नेम ऑफ लैगून लेक विच इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, ये भी बताना आप मुझे कि पश्चिमी घाट पर लैगून झीलों का जो कौन सा वाली झील है। अब ये जो एरिया है आपका, ये आपका पश्चिमी घाट है। अब यहाँ पे ये जो एरिया है, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, पता होना चाहिए कि फैलाब कौन कौन से क्षेत्र में इसका है। नंबर वन, दिस स्टेट, अभी बताता हूँ दोस्त रुक जाओ, गुजरात स्टेट, एंड एज वेल एज इट इज नोन एज गुजरात प्लेन। नंबर टू इज हेयर, एज वी नो महाराष्ट्र। हेयर इज गोवा। देन व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गोवा, वो है आपका कोंकणी। देन कोंकण प्लेन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गोवा इज कोंकणी। देन कोस्टल लाइन प्लेन नेम इज कोंकण, गुजरात सेम एज रेफरेंस टू इस नेम। दिस स्टेट इज नोन एज कर्नाटक। कर्नाटक, हैव यू हियर अबाउट एवी केनरा बैंक, CANARA, केनरा बैंक, जो केनरा बैंक का नाम है वो आपका आया है कर्नाटक की कोस्टल लाइन के रेफरेंस में, कनारे, कनारे प्लेन। और जो आपका ये थर्ड है, फोर्थ नंबर पे, 1, 2, 3, 4, ये जो आपका है केरल, ये कहलाएगा आपका मालाबार। मैं एक दो स्टूडेंट्स के तरफ कमेंट देख लूं ताकि आपको समझ में आता रहे। सर मेरा फर्स्ट ईयर है प्रिपरेशन का, दोस्त फर्स्ट में ही निकाल देना बहुत बढ़िया रहेगा, ज्यादा ध्यान मत देना है, रादर लिमिटेड बुक पढ़ना, तैयारियां बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना। आपका डेट ऑफ बर्थ जान सकता हूँ क्या? क्योंकि फोकस होके पढ़ोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं आपको, अगर आप शुरू से पढ़ना चाह रहे हो तो मैं दो तीन बुक्स के नाम रेफर कर दूंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। दोस्तों ये जो चिल्का लेक है ना, चलो मैं आपको नोट बना के यहाँ बता देता हूँ ऐसे करके,
अगर नहीं पता तो जो नंबर वन लेक थी चिल्का, ये आपका उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी या पुरी लिख लेंगे इसको शॉर्टकट में, पुरी, जहाँ पे वो भगवान श्री कृष्ण वाला मंदिर है ना उसके पास में। दूसरी झील है आपकी पुलिकट दोस्त, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। और थर्ड है आपकी कोलूरू, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में है। इसको आप लिख लेना, ये मैंने आपको ईस्टर्न घाट के बारे में जो लेक है उसके बारे में चर्चा करी है, लिख लेना, उसके बाद में इसको मिटा दूंगा। तो जो पश्चिमी घाट का जो वर्गीकरण है वो आपका विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका भैया प्रायद्वीपीय भाग है, ये आपका ईस्टर्न साइड है, ये आपकी वेस्टर्न साइड है। जो ईस्टर्न घाट है वो ज्यादा चौड़ा है और वेस्टर्न घाट है वो कम चौड़ा है, थोड़ा इसको ध्यान में रखें, बनाएंगे ऐसे करके। अब इन दोनों का कहीं ना कहीं पे ज्वाइनिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट तो होगा, जैसे नीलगिरी में है, नीलगिरी में कहाँ पे है पोल घाट, थाल घाट, फोल घाट, जो भी है। अब पहले इसका जो वर्गीकरण है पश्चिमी घाट का उसके बारे में देखेंगे। पश्चिमी घाट का जो नंबर वन एक्सप्लेनेशन है वो है आपका गुजरात तटीय क्षेत्र, नंबर वन गुजरात, तो गुजरात प्लेन कहा जाएगा उसको, ठीक है। अब जो दूसरा है जो महाराष्ट्र के लोअर एरिया में और गोवा के अपर एरिया में मिलेगा, जैसे कि गोवा का अपर एरिया, महाराष्ट्र का लोअर एरिया, तो गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपकी कोंकणी, तो कोंकण प्लेन मिलेगा आपको वहां पे, यानी कि कोंकण प्लेन के नाम से मिलेगा, कोंकण प्लेन। तीसरे नंबर पे है आपका स्टेट वहां पे कर्नाटक, और कर्नाटक की जो कोस्टल लाइन है उसे कहा जाता है कनारे, तो कनारे प्लेन मिलेगा। अब जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे या कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे या किसी दोस्त का बैंक अकाउंट होगा केनरा बैंक में, तो आप वहां से इसको रेफर कर सकते हो कि केनरा का जो टर्म है वो कहाँ से आया है, वो आया है कनारे से। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, हेडक्वार्टर होता है केनरा बैंक इन कर्नाटक ऑल्सो। अब उसके रेफरेंस में सीधे हम साउथ की तरफ जाएंगे तो एक स्टेट और पड़ेगा हमारा केरल। जब हम केरल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो केरल का जो तटीय क्षेत्र है वो आपका कहलाएगा मालाबार प्लेन। क्या कहलाएगा? मालाबार प्लेन। एक बार जरा मैं देख लूं दोस्त ने अगर किसी ने कमेंट करा हो, और तो आप इसको ठीक से देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ ही हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। पहला जो घाट है वो है आपका गुजरात घाट, दूसरा है आपका कोंकण प्लेन, तीसरा है आपका कनारे प्लेन, जैसे कि नाम से मेंशन है, मैं इंक से उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। गुजरात प्लेन, दूसरा है आपका कोंकण प्लेन, लाइट कलर है, कनारे, और सबसे लास्ट में है आपका मालाबार, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का डाउट ना हो। अब इसके बाद जो हम बात कर रहे थे इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे, चलो उसको साफ कर देते हैं। मेरी आवाज में किसी तरीके का कोई वो तो नहीं है परिवर्तन, या आपको लग रहा हो कि आवाज साफ नहीं आ रही है? अगर आवाज साफ आ रही हो किसी तरीके की तो यस लिख दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भी लिख दीजिए। चलो कोई नहीं, इसको ऐसे रखेंगे, कोई नई स्लाइड्स का निर्माण कर देते हैं, समय खराब नहीं करना चाहिए, ना आपका ना मेरा। हाँ जी दोस्तों, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, लिखेंगे गुजरात पश्चिमी घाट के बारे में लिखेंगे। गुजरात के कन्याकुमारी से, ओके थैंक यू, नो साउंड रिफ्लेक्शन। गुजरात से कन्याकुमारी तक और दोस्तों 8:55 पे मेरी जो क्लास होगी वो एमसीक्यू को लेके होगी अनअकैडमी के ऐप पर, किस पे, एप्लीकेशंस वाले पर, तो आप वहां पे आ जाना प्लीज, देख लेंगे थोड़ा बहुत। और जो एमसीक्यू बेस्ड है वो है आपका ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। यहाँ से यहाँ तक जितना भी ये तटीय क्षेत्र है सभी को पता है कि पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट की अपेक्षा कम चौड़ा है, तो इस टाइप से इसको थोड़ा सा निर्माण कर लेंगे। अब लिखेंगे इसमें इसकी जो सर्वाधिक चौड़ाई है, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो
तो यहाँ पे ये जो एरिया है आपका, ये है आपका एमपी का एरिया। किसका एरिया है? मध्य प्रदेश। इसको मैं थोड़ा सा साफ करके या कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ये आपका यहाँ पे मध्य भारत में मध्य प्रदेश का एरिया है इस टाइप से करके। तो यहाँ से एक नदी निकलती है नर्मदा, ये गुजरात होते हुए ये गिरती है आपकी अरब सागर में। अरब सागर, अरेबियन सागर, और इसको हम बोलते हैं ऊपर के क्षेत्र में जहाँ गिरती है गल्फ ऑफ खंबात। अब इसी के साथ में एक नदी और मिल जाती है ताप्ती। कौन सी नदी है भैया? तापी। कौन सी नदी है? ताप, अरे मैंने क्या लिखा है, ताप्ती। तो जब इन दोनों का मुहाना है, तो अगर बात करें हम पश्चिमी घाट की चौड़ाई सबसे ज्यादा कहां पर है, पश्चिमी घाट की चौड़ाई गुजरात क्षेत्र में, पश्चिमी घाट की चौड़ाई गुजरात क्षेत्र में नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मुहाने पर है। तो जिसका जो लगभग चौड़ाई है वो है आपकी 80 किलोमीटर की। और दूसरे क्षेत्र की बात करेंगे हम गुजरात के लोअर एरिया में, यहाँ पे जो कच्छ का निर्माण है, कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ के क्षेत्रों में, कच्छ के क्षेत्रों में जो है आपका समुद्री निक्षेप की प्रधानता है। समुद्री निक्षेप, अब यहाँ पे ये जो शब्द आ रहा है समुद्री निक्षेप, उसका मतलब है जो मिनरल्स समुद्र के पानी के साथ तटीय रेखा की ओर आ रहे हैं, तटीय रेखा की ओर आके उनका जमाव कर रहे हैं। तो जमाव का मतलब होता है डिपोजिशन। तो वहां पे आपका जो एरिया है वो कच्छ के खाड़ी का निर्माण करता है। अब इसके क्षेत्र में जो है काठियावाड़ में रेगड़ मिट्टी मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया। काठियावाड़ में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपकी? रेगड़ या रेगुड़, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सोयल। और उसके अलावा यहाँ पे जो काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है, इसको हम रेगुड़ बोलते हैं या रेगड़ बोलते हैं। ये बेसाल्टिक क्षेत्र की प्रधानता के कारण हुआ है। किसकी? बेसाल्टिक लावा की, लावा के कारण। अब यहाँ पे क्या है आपका, मालाबार तट पे आ जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये कन्याकुमारी का जो ये एरिया है केरल का, तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं मालाबार। तो मालाबार के क्षेत्र में जो लैगून लेक है यहाँ पे, उसको लैगून ना कह के कायाल कहा जाता है। कायाल, कायाल कहाँ? मालाबार के क्षेत्र में जो आपकी लैगून लेक है उनको कायाल कहा जाता है, क्योंकि ये एक है बैकवाटर का निर्माण करती है। बैकवाटर का मतलब पानी आएगा लेकिन जाएगा भी, आएगा भी जाएगा, रुकने का कोई संबंध नहीं है। जैसे कि पूर्वी घाट में पानी पुलिकट में रुक रहा है, कोलूरू में रुक रहा है आपका, अगर दूसरी ओर झीलों में रुक रहा है, तो कायाल में पानी का जो है मूवमेंट जोन से है, इस टाइप से पानी का इंसल्ट है और आउटलुक इस साइड से है। तो पानी थोड़ा बहुत ही रुकेगा, झील का निर्माण तो होगा, क्योंकि जब तक पानी अगर रुकेगा नहीं तो झील का निर्माण कैसे माना जाएगा, लेकिन पानी की जो सतह है वो मूवमेंट में है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? कायाल, ठीक है ना। अब मैं थोड़ी सी एक नई और स्लाइड का निर्माण कर देता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा जो है इसमें लिखेंगे, गुजरात से जो मैंने बताया था गोवा का जो तटीय मैदान है वो कहलाएगा कोंकण। कहां से? गुजरात से गोवा क्या है? कोंकण। याद रखने वाली बात तो यही है ना, क्योंकि जो महाराष्ट्र का है या जो ऊपर का है गुजरात के नाम से, महाराष्ट्र के नाम से, बेसिकली गोवा, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी, तो प्लेन का नाम कोंकणा, कोंकण। अब उसके नीचे जो है आपका एरिया, गोवा के बाद पड़ता है कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन सा है, वहां पे बैंक कौन सा है? केनरा बैंक, कैसे याद रखो। और केनरा बैंक का कौन सा है? कनारे, हिंदी में ऐसे कनारे। नंबर नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे एज वी नो केरल वाला पार्ट है, तो कौन सा हिस्सा इसमें? मालाबार। और मालाबार में जो लैगून लेक है उसे क्या कहा जाएगा? कायाल। अब आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि ये पाश्च जल या बैकवाटर के निर्माण से अस्तित्व में आई है। किससे? बैकवाटर के निर्माण से।
नाउ नंबर नेक्स्ट, जो द्वीपीय भाग हैं, ये तो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में आज चर्चा हो चुकी है, तो अब जो है भारत के जो द्वीपीय भाग हैं यानी कि द्वीप समूह वाले भाग हैं उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे ऐसे हैं द्वीपीय भाग, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, कोई डाउट हो तो पूछो। नो साउंड रिफ्लेक्शन, देखना पड़ेगा कुछ डाउट तो नहीं है फिर से। हेलो, यस इट्स वर्किंग नाउ। द्वीपीय भाग के बारे में बात कर रहे हैं, आइलैंड ऑफ इंडिया, आइलैंड ऑफ इंडिया। दोस्तों आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपका यहां से ये प्रायद्वीपीय भाग है जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे जो ये ग्रुप ऑफ लैंड हैं ये कहलाएंगे आपके लैंड्स ऑफ इंडिया। सेकेंडली यहाँ पे हैं, दिस पार्ट इज नोन एज अंडमान, ANAD, अंडमान निकोबार, एंड हेयर इट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, अब इसके बारे में थोड़ा सा गहनता से पढ़ लेंगे ताकि आपके पास आगे की पढ़ाई के लिए एक बेसिक सा नॉलेज बन जाए, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ा दिया ना तो बच्चे खुचे बच्चे भी छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे कि यार बोर कर रहे हो। हाँ, जो नए वाले होंगे वो जरूर जा सकते हैं, लिखेंगे इसके बारे में। ये निम्नजित उच्च भूमि के अवशेष हैं, उच्च भूमि के अवशेष हैं। निम्नजित भूमि जो है वो ये है, जैसे कि ये आपका क्षेत्र था ना, तो जब ये वाली लैंड ऊपर जाके गोंडवाना लैंड टकराई है यूरेशियन तिब्बतन प्लेट से, तो जब यहाँ पे ये आपका हिमालय का निर्माण हो रहा है ट्रियाश्री हेलोसीन युग में, मैं बार बार ट्रियाश्री हेलोसीन इसलिए बोल रहा हूँ, हिमालय जो है आपका तीन भागों में वर्गीकृत है। ए श्रेणी यानी कि ए टाइप इज नोन एज ट्रांस हिमालया, दिस वन हिमालय इज नोन एज मध्य हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय, थर्ड वन इज नोन एज शिवालिक रेंज। तो शिवालिक का जो निर्माण है वो अलग काल में है, ट्रांस और मध्य का निर्माण जो है वो आपका अलग काल में है। तो आपको किसी चीज का डाउट ना हो तो एक बार मेरी क्लास नंबर 7 पढ़ लेना, ईरा युग, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा अपनी क्लास में प्रीवियस क्लास का रेफरेंस ले देता हूं, क्योंकि आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आके क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल होना जरूरी है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था निम्नजित भूमि, जब ये वाली लैंड आपकी गोंडवाना लैंड तिब्बतन प्लेट से टकराती है तो वहाँ पे जो टिथिस सी था उसका निर्माण हो रहा है, पानी जो है आपका बह के इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आप सभी को पता है ये हमारी ईस्टर्न साइड है, ये हमारी वेस्टर्न साइड है, तो जो पृथ्वी का मूवमेंट है घूमने का पश्चिमी साइड से पूरब की साइड को है, लाइक दैट टाइप। ये है ना आपका क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा बोलते हैं जिसको हम। तो जब ये टकराया और मुड़ना शुरू हुआ, तो जब कोई चीज मुड़नी शुरू होगी तो इधर साइड की मूवमेंट लेगी ना, जिधर उसका प्रेशर लग जाएगा, दाब लगेगा, दबाव लगेगा, तो उधर वो मुड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये जो डूबा हुआ क्षेत्र है आज भी ये वाला, ये अंडमान निकोबार आपका डूबा हुआ हिमालय का क्षेत्र है। किसका? डूबा हुआ हिमालय। और इस वाले क्षेत्र में जो उठान शुरू हुआ बैंड होने की वजह से, तो ये कहलाया आपका क्या बोलते हैं उच्च भूमि का निम्नजत एरिया, क्योंकि यहां तो जमीन डूब गई है आपकी, तो ये उच्च में आ गई है, लेकिन इसका जो किनारा है मुंबई साइड वाला वो भी समुद्र तट के आसपास है, तो इसको कहेंगे हम निम्नजत भूमि के अवशेष। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे आप इसमें, कहां से गई रबड़। अब इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहां पे ठीक से, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इस चीज को मैं,
ये मेरा मार्क खराब ना कर दे कहीं ये पेन टैब। हाँ दोस्तों, ये जो आपका अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो यहाँ पे ये जो देश है इस टाइप से जो बने हुए हैं, इसका नाम है यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार, ठीक है ना। जो म्यांमार और अंडमान है, म्यांमार और जो अंडमान आइलैंड्स है, वो आपका क्या बोलते हैं, अराकान योमा का दक्षिणी विस्तार है। अराकान योमा जो है ये एक शिवालिक की सब रेंज है, यानी कि लोअर हिमालय के अराकान योमा, अराकान योमा का ही विस्तार है। किसका विस्तार है? अराकान योमा। अराकान योमा क्या है? ये आपका हिमालय का ही विस्तार है। किसका? हिमालय का विस्तार। दोस्तों अगर आप मेरी क्लास में कल पढ़ने आओगे तो आप एक ऑक्सफोर्ड का मैप लेकर आए ताकि आप इसको सही सही समझ लो। अगर आपको थोड़ा सा बीच में मैं अगर 1-2 मिनट का समय दूं तो आप इसको देखना ठीक से कि अराकान योमा है क्या और लोकेशन ऑफ द म्यांमार कहाँ पे है और अंडमान कहाँ पे है। तो यहाँ पे ना एक कोको आइलैंड था, इसको साफ कर देता हूँ यहाँ पे। अरे यार काफी समय लगता है। जैसे कि आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड है अंडमान का, दिस वन ऐसे समझो इसको। तो यहाँ पे ये जो आपका कंट्री है म्यांमार, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड था, कोको कोको आइलैंड। अब कोको आइलैंड जो हमारे मतलब कि पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, XPM PT नेहरू, पंडित नेहरू लिख देता हूं मैं इनको, तो उन्होंने जो कोको था वो डोनेट किसको करा? म्यांमार को, ठीक है। देन म्यांमार सोल्ड आउट दिस लैंड किसको? चाइना को। नाउ इन प्रेजेंट टाइम चाइना एस्टैब्लिश रडार, नेवल कम्युनिकेशन इन दिस एरिया एंड मॉनिटरिंग ऑल सी रूट ऑफ इंडिया, सी एक्टिविटी, नेवल एक्टिविटी ऑफ इंडिया। कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड था? कोको। थोड़ा सा इसका जो क्या बोलेंगे 160 नॉटिकल माइल, ये था आपका वेस्ट बंगाल से दूर, कोई ज्यादा खास भी दूर नहीं है। यहाँ पे हमारा चाइनीज बैठा हुआ है, क्लेम भी नहीं कर सकते बिकॉज वी डोनेटेड एंड दैट कंट्री सोल्ड आउट दिस लैंड। नंबर नेक्स्ट, पता नहीं क्या मिला होगा क्या नहीं मिला होगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड की। अंडमान ग्रुप लैंड में आपका क्या बोलते हैं, लॉक लैंड द्वीप है, लैंड लैंडफॉल बोलते हैं जिसको स्टार्टिंग में, लैंडफॉल। ये आपका सबसे उत्तर में है, एकदम नॉर्थ में, यानी कि उत्तरी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में होने के साथ साथ जो कोको आइलैंड्स है, थोड़ा मैं इसका पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, आपको यहां से समझ में की जरूरत भी है और समझ में आना भी चाहिए। ये जो एक सी रूट है इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये देखो ये पानी का रूट हो गया इस टाइप से, बीच में पानी है। यहाँ पे आपका ये म्यांमार है नंबर ए, नंबर बी हमारा अंडमान निकोबार है। बीच में ये जिनों को जो अलग करता है, जो पृथक करता है, सेपरेट करता है, वो है कोको जलमार्ग, यानी कि कोको वाटरवे। कोको वाटरवे सेपरेटेड टू नॉर्दर्न अंडमान एंड म्यांमार एंड कोको वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 1951। इंडिया डोनेट लिखना जरूरी है, डोनेट टू म्यांमार एंड म्यांमार सोल्ड आउट टू चाइना। ये मैंने यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप इसको ठीक से देख लेना। नंबर नेक्स्ट, इसमें जो है अंडमान निकोबार में दो आपके वोल्केनो स्टैब्लिश है,
और दो जो है जो आपको पता है कि वोल्केनो जो होता है एक एक्टिव होता है एक नॉन एक्टिव होता है, एक्टिव और दूसरा है नॉन एक्टिव। अब जो इसके कौन कौन से नाम है एक्टिव और नॉन एक्टिव के कमेंट में जरा बताना, मुझसे पहले जल्दी बता दो यार अगर सुन रहे हो तो। सुजीत आर यू लिस्निंग मी दोस्त? जो बैरन है वो आपका एक्टिव है। देखो आप, एक है नारकोंडा या नारकोंडम, ये आपका नॉन एक्टिव है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में होता है क्या है वाइस वर्सा पूछा जाता है, विच इज एक्टिव विच इज नॉन एक्टिव वोल्केनो ऑफ द इंडिया और अंडमान निकोबार। अब आपका थोड़ा सा ऐसे लिख दिया उसने, मैं यहाँ पे थोड़ा साफ कर देता हूँ। लाइक दिस साइड इधर लिख दिया एक्टिव और इधर लिख दिया वेलकनो नेम, तो यहाँ पे लिख दिया आपका बैरन और नॉन एक्टिव, ऐसे समझो उसको। तो देखो ए के बाद क्या आता है, बी आता है ना, ए बी, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे बैरन। नारकोंडा में एन से स्टार्ट है तो नॉन एक्टिव है, क्योंकि पिछले 5 साल के अध्ययन में मैंने खुद कंफ्यूज हुआ हूँ और मैंने कई बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। तो एक छोटा सा ट्रिक का मैंने खुद से इजाद करी, एक्टिव है तो वो बैरन है क्योंकि ए के बाद बी है, और नारकोंडम है तो वो नॉन एक्टिव है क्योंकि एन से नारकोंडम है और एन फोर नॉन एक्टिव। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब जितना भी ये माउंटेन की बात की जा रही है अंडमान निकोबार की, मैं बता रहा हूँ कि एक डूबे हुए क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं, डूबे हुए हिमालय हैं, तो दोस्तों आप इसको बेसिक सी मोटा मोटी समझ लो, अगर ये हिमालय है ना डूबा हुआ तो भैया यहाँ पे कोई पीक भी तो होगी, सबसे ऊंची या सबसे नीची, नीचे की तो खैर हम बात नहीं करते, हाईएस्ट पीक की बात की जाती है माउंटेन में, तो सैडल पीक या सुद्दुल पीक हिंदी में ऐसे है, सैडल पर्वत चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंचाई वाली जगह है सैडल पीक। और इसमें क्या बोला जाता है, सभी को पता होगा कि अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है और जहां पे आपकी सेक्युलर जेल भी है जो आपका ब्रिटिश लोगों ने बनाई, सेल्युलर सेल्युलर जेल भी है, तो ठीक है ना, आप इस चीज को याद भी रखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे माउंट हैरियट है, माउंट हैरियट नंबर वन, नंबर टू जो यहाँ पे एक जंगली पार्क है या राष्ट्रीय वन है उसका नाम भी मैं बता रहा हूं आपको, वो है हैवलॉक, हैवलॉक माउंटेन इज द सेकंड वन। नंबर नेक्स्ट यहाँ पे एक बायो रिजर्व भी है जिसको आप बोल सकते हो जैव विविधता पार्क, जैव विविधता पार्क नंबर थ्री। और इसके बाद इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पे वो सबसे लास्ट में जाके जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो थोड़ा सा आजकल जब सुनामी आई थी वो डूब चुका है, तो इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे वाला पार्ट है और इंदिरा कॉल सबसे ऊपर का पार्ट है जो सियाचिन में पड़ता है, नंबर फोर। नंबर नेक्स्ट आप इसमें लिखने वाले हैं कि नया टॉपिक ले लेता हूं, कीप कर लेंगे और देख लेंगे, 10 डिग्री चैनल जो ये पानी है इस टाइप से बीच बीच में, इसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल सेपरेट टू निकोबार एंड कार निकोबार, निकोबार एंड कार निकोबार। ऑक्सफोर्ड का मैप लेके बैठना है दोस्त साथ में, और साथ में आप लेके बैठना एक A4 मैप जो डिजाइनिंग वाले आते हैं, तो ताकि सब आपको आसानी से कर सको। अब इसके अलावा जो मेरा ये टॉपिक है मैं कल कंटिन्यू कराऊंगा,
क्योंकि अभी कराता हूं आपको, तो कल के लिए मैं पेंडिंग छोड़ देता हूं चैनल्स के बारे में। और दूसरा जो टॉपिक है मेरा अभी का, वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह, आज मैंने इसके बारे में बहुत बेसिक सा पढ़ाया है, कल डिटेल में चलेंगे, तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक सा के चक्कर में इसे भी पूरा कर देते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप जो है आपका, ये डेवलप हुआ है, इट डेवलप, हिंदी में बोलेंगे जिसको हम मूंगा चट्टान, मूंगा रॉक्स। एंड कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ इट दिस, कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ दिस। एंड मिनिकॉय आइलैंड, ये छोटा छोटा बीच में है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, मिनिकॉय सेपरेटेड टू कावारत्ती एंड मालदीप। यहाँ पे ये आपका क्या बोलते हैं, कावारत्ती है, अरे किधर गया, कावारत्ती है। और यहाँ पे जो चैनल का नाम है वो है आपका 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल आपका जो सेपरेट करता है वो करता है मिनिकॉय और मालदीव को। नीचे है आपका मालदीव और मिनिकॉय। थोड़ा सा मैं इसको नए पेज पे लिख देता हूँ। चलो कोई नहीं, आठ डिग्री चैनल विभाजित करता है आपका दो चीजों को, ये है आपका मिनिकॉय और मालदीव। मिनिकॉय भारत में है तो मिनिकॉय ऊपर लिख देंगे, और मालदीव नीचे है तो मालदीव को अलग देश है तो यहाँ लिख देंगे। ये कल मैं पूछूंगा आपसे, किससे जो भी ऑनलाइन है, माल और 9 डिग्री डिफरेंट, तो मिनिकॉय एंड मालदीव, एंड 9 डिग्री कावारत्ती एंड मिनिकॉय, कावारत्ती एंड मिनिकॉय। देन कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे भैया, मूंगे के बारे में पढ़ लेंगे कल, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल चलेंगे पोर्ट्स के बारे में, बस थोड़ा सा इसके रेफरेंस में आईआर का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, मालदीव के रेफरेंस में भारत के क्या रिश्ते हैं, तो कल का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। और 8:55 पे मेरी क्लास होगी एमसीक्यू की, अन अकेडमी के ऐप पर। थैंक यू, टेक केयर।